ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। कहीं एक जगह पे हम गए तो मैंने परहेजी खाना खाना था, तो मैंने कहा मुझे कुछ दाल वाल बनवा दें, तो कहते आप चलें घर चलें, आप वहाँ आपको खान सामा में दो जल्दी बना देगा। ये वहाँ गए, जब उनके घर वालों को पता चला कि तसव्वुर खाना आई है, तो वो सब बच्चियाँ ना और लेडीस आ गई मेरे पास, तो कहती हैं आप आई हैं हमारे पास, हमारी आज दादी नहीं है, उसने आपको बेटी बनाया हुआ था, वो जब भी आप आती थी ना किसी बच्चे ने शोर करना, कहना चुप हो जाओ, अच्छा। मेरी बेटी है मुझे सुनने दो, वो आगे बैठ जाती थी टीवी के और देखती थी आपको, सुनती थी और दुआएं देती थी आपको। पता नहीं उनको मैं कितनी अच्छी लगती थी, मगर वो उस दुनिया में नहीं थी उस टाइम पे, नहीं, तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मोहब्बत बहुत अच्छा, की। पंजाबी गानों के अलावा आपने गज़लें बहुत अच्छी गाई जी, टेलीविज़न के लिए जो गज़लें गाई बहुत अच्छी गाई। पहली गज़ल मैंने तो वो मुझे याद नहीं कौन सी थी, फिर दिल में एक लहर वो तो बहुत आपकी मकबूल हुई थी, अल्ताफ़ साहब की मुसीकी थी। अच्छा, तो नासिर काज़मी की गज़ल उन्होंने गवाई मुझे। अच्छा, दिल में ये गज़ल भी थोड़ी सी आप हमारे नाज़रीन के लिए गा दीजिए। वो भी बहुत पॉपुलर हुई, वो भी अल्लाह की मेहरबानी से बहुत मशहूर, बहुत मशहूर हुई। थोड़ा सा मैं सुनाऊँगी कुछ, ज़रूर थोड़ी ज़रूर सुनाइए, दो चार लाइन्स तो सुनाइए। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, और ये चोट भी नई है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, शोर बरपा है खानाए दिल में, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल एक लहर सी उठी है अभी। बात हो, बात हो। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा एक लहर
कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, ये चोट भी नहीं के गाने जो आपने टेलीविज़न में गाए, तो देखिए फिल्म का गाना तो ये होता है ना कि कुछ लोग सुनते हैं और कुछ नहीं, लेकिन टेलीविज़न के गानों की वजह से पाकिस्तान के मेरा ख्याल है हर घर में आपको सुना गया और लोगों ने बड़ा पसंद किया। इसकी मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊं। जी जी बताइए। मैं इस्लामाबाद से कराची जा रही थी, तो वहाँ गाड़ी जो ओबर वोबर क्या होती है ये वो थी करवाई, तो चली गई, तो ड्राइवर ना बार बार मुझे ना शीशे में देख रहे हैं। अच्छा। तो मैं समझ रही हूँ कि ये ना पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरी आदत नहीं है कि मैं अपने आप को छुपाऊँ या ये वो, तो मैं कहते हैं मैडम मैं यहाँ से चाय ले लूँ। मैंने कहा लीजिए आप पिएंगी? मैंने कहा नहीं आप पिए चाय। तो खड़े हो गया था कि मुझे डरना चाहिए कि यहाँ क्यों खड़ा हुआ, मगर मैंने कहा चलें बच्चा है मतलब चाय के लिए कह रहे। तो चाय, फिर उसने आकर मुझे पूछा शीशे से ना
कहते मैडम आप चाय पियेंगी? अच्छा, तो मैंने कहा चलें पिला दें आप। मैंने कहा इसका दिल ना वो ना, मुझे दिल में था कि ये पहचानने की कोशिश कर रहे हैं ये। खैर चाय पी बैठे, मैंने कहा, मैंने खुद ही कहा, मैंने कहा आप पहचानने की कोशिश कर रहे हैं मुझे, तो मैं बताऊं आपको कि मैं कौन हूँ? कहते मैं कर तो रहा हूँ कोशिश, मगर मेरे जहन में नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं तसव्वुर खानम हूँ, गुलकारा तसव्वुर खानम। कहते हाँ मुझे लग रहा था मैंने जानी पहचानी शक्ल है, तो टीवी में थोड़ा मेकअप शेकअप होता है, तो मैं सिंपल थी। तो कहते मैडम मैं आपसे एक बात करूं? मैंने कहा जी। कहते आपका प्रोग्राम लगता था, हम किसी के यहाँ जाकर सुनते थे बहुत शौक से। उस दिन पहले तो आपको पता है अखबार में आ जाता था फलाने दिन प्रोग्राम है मौसीकी का, कल लगना है तो आज अखबार में आ जाता था। तो कहते वो आया तो मैंने कहा अब ये प्रोग्राम किसी के यहाँ जाकर नहीं देखना। तो मैं गया, कैसे करके क्या करके मैं जाकर टीवी लेकर आया। मैंने कहा ये प्रोग्राम मैंने घर में देखना, मैंने आपकी वजह से मैंने टीवी ख़रीदा और घर में लगा के मैंने आपको देखा प्रोग्राम। वो मतलब कि इतना मुझे शौक़ था आपको, आपकी आवाज़ या आपका अपना अंदाज़ या ये वो बहुत अच्छा लगता था सब घर वालों को, बहुत बड़ी बात। तो मैंने टीवी लाकर मैंने अपने घर में ये प्रोग्राम देखा आपका। मैंने कहा मेहरबानी। कहते आज मुझे वो खुशी का मैं अंदाज़ा आप नहीं लगा सकती मेरा, मगर मैं टीवी में उसमें शीशे में देख रहा था कि शक्ल तो जानी पहचानी लगती है, मगर उसके जहन में नहीं आ रहा था ना। एक अच्छा, होता है ना कभी एक प्रोग्राम आपने किया था रागमाला जी, रुख बशीर साहब का जी, है ना, उसमें आपने काफियां भी, हालांकि आप काफी नहीं गाती थी लेकिन आपने उसमें काफी भी गाई, काफी गवाई वजीर अफजल साहब ने। तो वो भी कुछ थोड़े से हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ी सुनाइए कोई अच्छी काफी आपको याद हो तो। नीसी नैना दया खे लगे, नीसी नैना दया खे लगे, नैना दया खे लगे, नीसी नैना दया खे लगे, काले पटना चढ़न सफेदी, काले पटना चढ़न सफेदी, कांग नथी दे बगे, नीसे यो सी नैना दया खे लगे, जिन्हा पाक निगाह हो या, जिन्हा पाक निगाह हो या, ओ कदी ना जा दे ठगे, नीसे यो नैना दया खे लगे, शाह हुसैन शहादत पायन, शाह हुसैन शहादत पायन, झोमरन मित्रा दे अगे, नीसे यो नैना दया खे लगे। बहुत खूब, बहुत उम्दा। अच्छा मैडम, अल्लाह ताला ने आपको आवाज़ भी बहुत अच्छी दी जी, और माशाल्लाह शख्सियत भी आपकी बड़ी खूबसूरत है, शक्ल सूरत भी बहुत अच्छी थी, तो क्या आपको फिल्म्स में काम करने की भी कभी ऑफर हुई? हाँ जी, मुझे कहा गया। अच्छा, रंगीला फिल्म में रंगीला ने कहा था। अच्छा, कि आप वो साइका वाला रोल था कोई। अच्छा, उस फिल्म में ये करें। तो मैंने कहा मैं तो पढ़ी हुई नहीं, इतने इतने बड़े डायलॉग कौन याद करेगा, गाने पता नहीं मैं कैसे करती हूँ।
तो मैंने कहा नहीं, फिर आउटडोर जाना कहाँ से कहाँ कहाँ, मतलब हम मेरा ये काम नहीं है। नहीं, आपने एक ही तरफ तवज्जो दी गाने की। फिर मैंने वो मैंने कहा मैं गाना ही गा सकती हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती। अच्छा, जब आप अपने करियर के पीक पर थी, बहुत आपको शोहरत उस वक्त हासिल थी, तो आप दूर हो गई, आपने फिल्म्स को भी छोड़ दिया, टीवी को भी, गाना ही छोड़ दिया, तो इसकी क्या वजह थी? शादी की मसरूफियात की वजह से या कुछ और वजह थी? नहीं, ये मैं आप कन्फ्यूज ही जो है लोगों को वो मैं निकालना चाहती हूँ, और पहले भी मैंने हर इंटरव्यू में ये बताया कि टीवी में मैं शादी के बाद आई थी। अच्छा, मेरे हस्बैंड जी साड़ी लेके आए, वो तीन झुमके बहुत मशहूर हुए थे, तीन लड़कियों वाले, तो शादी के बाद मैंने नहीं छोड़ा। अच्छा, मगर कुछ ऐसा, मतलब हर महकमे में, हर उसमें एक साजिश चलती है, फिर क्यों चलती है ये तो अल्लाह जाने, या क्यों करते हैं लोग ऐसे। मगर शादी करके कोई भी लड़की हो तो अपने घर ही जाती है ना, माँ बाप के घर में तो नहीं रहती। मगर मैं यही थी, मैंने कहा मैंने मेरा शौक़ है, मैं गाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने कभी मना नहीं किया, तो कहते आप, आपका अपना शौक़ है, आप गाएं ये वो। मगर यहाँ कोई फिल्म इंडस्ट्री में उड़ा दिया गया जी, तो सवर खानम शादी करके चली गई, अतः कि मैं नहीं गई, मैं यहीं थी। मगर कोई म्यूज़िक डायरेक्टर या कोई, मेरा तो यही काम था ना कि बुलाएंगे तो मैं गाऊंगी, तो यहाँ भी थोड़ा ऐसे ही उड़ गया। तो मेरे हस्बैंड फिर कहने लगे कि काम तो आपको मिल नहीं रहा, या गाने या ये वो तो रहे, चलें फिर गाँव चलते हैं। तो मुझे थोड़ा बच्चा भी होने वाला था, तो मैंने कहा चलें। फिर वहाँ जाकर फिर मैं वापस आई, मतलब कि गाने वाने गाने के लिए, कि मेरा अपना फ़न है मैं। मगर ऐसे वो एक गैप सा दे दिया लोगों ने, कि बस यही उड़ा दिया कि जो वो है ही नहीं यहाँ, आता कि मैं लाहौर में थी, तो फिर यही गैप हुआ मेरा, और तो कोई वजह नहीं थी। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने कभी मना नहीं किया था मुझे। चलिए, अच्छा किया आपने आज ये बात बता दी। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने बहुत से मौसीकारों के साथ और बड़े अच्छे अच्छे मौसीकारों के साथ काम किया, लेकिन किस मौसीकार के साथ काम करके आपको बहुत अच्छा लगा, जिन्होंने आपकी आवाज़ का सही इस्तेमाल किया हो? मेरे जी, जिन जिन के मैंने गाने गाए हैं ना, वो टॉप के म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और उनके आगे याद करना उनको कि मतलब जो गाना उन्होंने बनाया या ये वो, बहुत मुश्किल गाने मैंने गाए। वज़ीर अफजल साहब का गाना था, इस जग दी जदों तक कहानी रवे, प्यार तेरा मेरी जिंदगानी रवे, उन्होंने भी बहुत मुश्किल गाने मुझसे गवाए। और फिर ए हमीद साहब के गाने थे, वो था ड्यूट था मैडम जी के साथ एक ना, सुनो कहानी मेरी जुबानी, एक लड़की थी बड़ी गरीब, एक लड़का मिला उससे तो हो गया उसको प्यार नसीब, ये हमीद साहब का। वो गले के भी बहुत सुरीले थे। अच्छा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मगर बहुत उनका गला खूबसूरत था, तो उनको देखकर ही आदमी कहता था कि पता नहीं ऐसा हम गा पाएंगे, मतलब एक होता है ना। तो उनका मैंने म्यूज़िक गाया। फिर निसार बज़मी साहब थे, उनका था एक ऐसी चाल मैं चलूं कलेजा हिल जाएगा, फिर गाना था बर्फ के फर्श पर बादलों के तले, तो बड़ा मुश्किल वो गाना इतना है। मुश्किल गाना था कि अगर आपने सुना होगा, हाई पिच में, बहुत हाई पिच थी उसकी गाने की, वो गाया। फिर मास्टर नैत साहब का, मैं क्या गल सुन जा गाले वे के नहीं नहीं कुछ नहीं जा जा, ये गाना था उनका, बहुत मुश्किल गाना। तो फिर मास्टर अब्दुल्ला साहब का था, मेरा दिल भर मेरा दिलदार तुम, बड़ा खूबसूरत गाना, बहुत मतलब वो ये। तो ये थे बुजुर्ग थे, कौन वो नाम उसका मेरे जहन से निकल गया, बाबा चिश्ती साहब। अच्छा अच्छा, उनके गाने मैंने बहुत से गाए, पंजाबी गाने, उन्होंने भी बहुत मुझसे गवाए गाने, नज़ीर अली साहब ने गवाए गाने, और भी काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर थे जिन्होंने मुझसे गवाया गाना। फिर खुर्शीद साहब ने एक गाना गवाया मुझसे, ख्वाजा खुर्शीद साहब ने, वो था नैरा नूर के साथ ड्यूट था मेरा। अच्छा, एक वो AMI स्टूडियो बान में था ना, जो बना था नया, वहाँ रिकॉर्डिंग हुई थी उसकी।
तो मतलब तकरीबन हर म्यूजिक डायरेक्टर साहब के साथ मैंने तहफ़ुज़ साहब के साथ गाया जी। ये अनवरा फिल्म का मैडम जी के साथ पहली दफ़ा उन्होंने मुझे खड़ा किया मैडम के सामने, आइया दो मुटियारा, वो थोड़ा सा मैं आपको गुनगुनाती हूँ, आइया दो मुटियारा दी ओ जिवें बिजलियां ने आसमान साढ़े वाल तक तेरा कढ दे शक, साढ़े वाल तक तेरा कढ दे शक, तेनू होश नहीं रहनी चन मेरिया चन मेरिया, ओ आइया दो मुटियारा मुटियारा। ये ड्यूट था मैडम जी के साथ। अच्छा ये बताइए कि जब आप, हम तो आपको सुनते हैं गाते हुए, लेकिन जब आपका दिल चाहता है कि गाना सुने तो आप किन गुलकारों को सुनती हैं? आप, आपके फेवरेट कौन हैं गाने वाले, मेल भी फीमेल भी, किस किस के गाने पसंद हैं आपको? सब ने बहुत अच्छा गवाया मुझसे, उन्होंने गवाया तो मैंने गा दिया। नहीं मैं मतलब गाने वालों से पूछ रही हूँ कि कौन से। अच्छा गाने कोई कोई म्यूजिक डायरेक्टर तो ऐसे थे कि गले से पता नहीं चलता था कि वो कहते क्या है, कोई आर्टिस्ट को जो गाकर बताएगा तो पता चलेगा ना कैसे गाने। कोई कोई म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे थे कि जिनका पता नहीं चलता था, मास्टर ये क्या नाम है निशाद साहब, इनके गाने मैंने दो गाए, तू मेरी जिंदगी है बड़ा, अगर तू मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, बहुत प्यार से उन्होंने गवाया मुझसे और बड़ी मेहनत की मुझसे उन्होंने ना, कि बड़ा मतलब कि रेसल करके मैं गाती थी याद करके, तो ये उनके गाने बहुत मेरे हिट। मैं आपसे सिंगर पूछ रही थी कि आपको गाने वाले कौन से अच्छे लगते हैं, सुनने को अच्छा लगता है, किस गाने वाले को पसंद करती हैं आप, गाने वाला या गाने वाली खुद किसके सुनती? मैडम जी से बहुत मुतासर थी माशाल्लाह, बिल्कुल हाँ, इसमें कोई वो आर्टिस्ट है ही ऐसी कि वो आवाज़ लगाती है तो जान निकल जाती है। सही कहा आपने कि जैसी वो आर्टिस्ट है कोई नहीं पैदा हो सकती, बेशक उनके आवाज़ से गाएं, उनकी आवाज़ की कॉपी करें, मगर वो आवाज़ नहीं है उनका अपना, बहुत बड़ा उनका एक अपना उस्तादों की तरह वो गाती थी, बहुत बड़े गाने वाले, कोई शक नहीं इसमें। तो अच्छा ये बताइए कि मौसीकी के अलावा और आपको किस चीज़ से दिलचस्पी है, कोई शौक? सलीम रज़ा साहब बहुत अच्छे अच्छा गाते थे, उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत सुरीले आदमी थे। मुनीर हुसैन साहब बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा। मेहंदी हसन साहब तो आपको पता है कि सबको पता है वो क्या है, मतलब तुफैल न्याजी साहब, उनके साथ मैंने एक गाना यही रिकॉर्डिंग करवाया था, वो आना आन नेरिया जान नेरिया आन नेरिया जान नेरिया, ओ बीबा बन के कबूतर पावा फेरिया। ये तुफैल साहब के साथ मैंने ड्यूट गाया था बहुत पहले। अच्छा माशाल्लाह आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, आपको अभी तक सारे गानों के बोल याद हैं। मैं कहती हूँ ना मतलब कि तुफैल न्याजी साहब उनको कोई गा ही नहीं सकता जैसे वो गाते थे, तो मैं तो उनकी शक्ल देखती थी कि ये क्या कह रहे हैं, कि मतलब इतने सुरीले और ऐसी ऐसी जगह निकालते थे कि पता नहीं चलता था कहते क्या है, ये कह क्या रहे हैं, हम ये कह जाएंगे या नहीं। चलिए आप प्रोग्राम के आखिर में अपनी पसंद का कोई भी गाना जो आपका दिल चाहे वो आप सुना दीजिए हमारे नाज़रीन के लिए। मास्टर साहब ने बुलाया हम चले गए, गाना हो ही ना, गाना हो ही ना, तो मैं तो सुबह के रात के, मतलब दूसरे दिन के 4 बज गए तो गाना हो नहीं रहा। उनके सिस्टम थे मेरे सामने खड़े हुए, वो मुझे लय देते थे, तो वो लय कुछ इस तरीके से देते थे, उसकी कटवट बहुत मुश्किल थे गाने के, तो वो ज़रा मैं ना बेतार हो जाती थी, सही बात करूँ मैं तो गाना हो नहीं पा रहा था। तो मास्टर साहब आए अंदर से, ये हकीकत मैं बता रही हूँ, कोई इसमें वो बनावट नहीं है, किसी भी बात में मैं कोई भी किसी का झूठ नहीं बोला मैंने, जो भी कहा सच कहा। तो वो आए तो मैं ना थोड़ी सी कन्फ्यूज सी हो गई ना, तो मैंने कहा पता नहीं मास्टर साहब क्या कहेंगे। वो समझदार लोग थे, अच्छे लोग थे, उन्होंने आकर देखा कि ये बच्ची घबरा गई है ना, तो वो आकर मुझे कहते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा गा रही हो, मगर ये गाना तुम्हारे लिए बनाया मैंने, आज नहीं हुआ कल करेंगे, कल नहीं हुआ परसों करेंगे,
गाओगी तुम ही गाना, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया। तो मेरा थोड़ा दिल बड़ा हो गया, तो मैंने मास्टर साहब के कहा, मास्टर जी आप यहाँ खड़े हो जाए, तो इनको वहाँ भेज दे रिकॉर्डिंग रूम में। कहते चले, उसको भेज दिया अपने असिस्टेंट को वहाँ। तो यकीन करें पहली ओके, वो खड़े हुए, उन्हें मुझे सम ऐसा दिया, तो मैंने वो गाना ऐसे, हो मैं क्या गल सुन जा, हो मैं क्या गल सुन जा, हो गल सुन जा, गले विके गले ए विके, नहीं नहीं कुछ नहीं जा जा, हो मैं क्या गल सुन जा। ये थी उसकी ना, वो जो टोटके थे उसके ना, ये वो सही नहीं आ रहे थे, बहुत मुश्किल गाया है, बहुत, और ये बड़ा मुश्किल गाना है, बहुत मुश्किल गाना है, किसी ने ऐसा गाना, ये अभी तक मेरा ख्याल है स्टेज में किसी आर्टिस्ट ने गाया नहीं है। अच्छा मैडम, दिल तो नहीं चाहता कि आप की बातें, दिल चाहता है कि सुनते ही रहें, लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम हो गया, आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ा बढ़ा दें टाइम, कोई बात नहीं। अच्छा, तो आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप बहुत अपने, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे याद किया, नहीं और मुझे अच्छा लगा। याद करते हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती से रखे, मेहरबानी, और आप शादोआबाद रहें। बस आप मेरे आवाज़ के लिए दुआ मांगे कि ठीक कर दे परवरदिगार, मगर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप सब मेरे लिए दुआ कीजिए। हमारा आज का ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचता है। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे सरवत अली खान, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सलीम बज़मी, वीडियो इंजीनियर आमिर महमूद, निगरानी आला डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा, और ये पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान लाहौर की।